हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिश्रा टेच पे। दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं जियो में निकलने वाली बंपर बहाली के बारे में। तो दोस्तों, जियो में बहुत ही बड़ी संख्या में बहाली निकली हुई है। इसमें आप सभी सेल्स एग्जीक्यूटिव और जियो ऑफिस में काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के लिए आपका वैकेंसी जो है निकला हुआ है, तो आप सभी इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे कर पाएंगे और इसमें ज्वाइनिंग जो है दोस्तों कैसे हो पाएगा, इन सारी चीजों के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो लेके आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और आप उस वीडियो का लाभ ले सके। तो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करना है और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है जियो कैरियर। आपको यहाँ पे जियो कैरियर टाइप करना है, तो यहाँ पे carrier.jio.com का लिंक दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जियो का ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगा। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जियो का ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन हो चुका है, लेकिन आपको यहाँ पे एक सूचना जारी किया जा रहा है, लर्न मोर अबाउट फेक जॉब ऑफर। आपको किसी भी प्रकार का फेक जॉब ऑफर से सावधान रहना चाहिए। और इस तरह से बहुत से वेबसाइट है, बहुत से फोन कॉल आते हैं कि जियो में कॉल करने के लिए आपको इतना पैसे का पेमेंट कीजिए, आपका जो है नौकरी पक्की हो जाएगी। तो आप सभी को इस तरह के फेक कॉल या धोखाधड़ी से जो है आपको बचना होगा। आपको अगर ऑनलाइन भी करना है तो आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट जियो का, जो जियो कैरियर ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं से जाकर ही ऑनलाइन आपको करना होगा। और इसमें एक बात और बता दें दोस्तों, इसमें आपको एक भी पैसे किसी को भी पे नहीं करना है, क्योंकि ये जो जॉब है दोस्तों आपके क्वालिफिकेशन पे ही मिलता है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का पैसे देने से आपको ये जॉब नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको आने के बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं जॉब, यहाँ पे आपको जॉब पे क्लिक करना होगा। आप यहाँ पे जैसे ही जॉब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ढेर सारे जॉब का लिस्ट जो है ओपन हो जाएगा। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रीलांसर, उसके बाद जियो स्मार्ट सेल्स ट्रेनिंग का आप जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पे 7685 वैकेंसी है। उसके बाद से फ्रीलांसर सेल्स एग्जीक्यूटिव का जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पे 7578 वैकेंसी है। उसके बाद से बिजनेस अपॉर्चुनेशन का अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो 1995 वैकेंसी है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का आप जॉब करना चाहते हैं तो 1122 वैकेंसी है। उसके बाद इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो 496 जॉब वैकेंसी यहाँ पे निकला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर सर्विस का जॉब करना चाहते हैं तो 462 जॉब यहाँ पे निकला हुआ है। आईटी एंड सिस्टम्स का जॉब करना चाहते हैं तो 368 जॉब यहाँ पे निकला हुआ है। तो आप सभी को यहाँ पे देख लेना है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है किस लायक है, आप किस जॉब के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ए टू जेड बारीकी से आपको यहाँ पे सभी पे क्लिक करके चेक कर लेना होगा। लेकिन यहाँ पे चेक करने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना लोकेशन चूज करना होगा कि आप कहाँ से हैं। अगर आप बिहार से तो यहाँ पे आप बिहार टाइप कीजिएगा, अगर आप किसी दूसरे राज्य से हैं तो वहां पे अपना राज्य सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना राज्य टाइप करने के बाद से आपका जिस भी डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकला होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे हम आपको बिहार टाइप करके दिखाते हैं, यहाँ पे आप जिस भी राज्य से होंगे वो यहाँ पे टाइप कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सर्च पे क्लिक कीजिएगा तो बिहार के लिए जितने भी जॉब यहाँ पे अवेलेबल होगा उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं बिहार के लिए जो है फिल्टर कर दिया है और यहाँ पे जितने भी वैकेंसी निकला हुआ है यहाँ पे टोटल आ चुका है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीलांसर सेल्स एग्जीक्यूटिव, इस पे हम आपको क्लिक करके दिखाते हैं तो यहाँ पे 628 वैकेंसी निकला हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 3 फरवरी 2022 ये जो वैकेंसी है दोस्तों वो एक्सपायर कर गया है, अभी इसका करंट वैकेंसी इसमें अभी नहीं है। तो इस तरह से आपको फिर से दूसरे पे आपको जाना होगा और दूसरे पे यहाँ पे फिर से बैक आइएगा। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीलांसर सेल्स एसोसिएट जो है इसका हम 628 वैकेंसी के बारे में आपको दिखाए थे, तो इसका वैकेंसी जो है बहुत पहले निकला हुआ था वो अभी तक एक्सपायर कर गया है। अब आपको यहाँ पे हम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर का आप दिखाते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे जो वैकेंसी निकला हुआ है पोस्टेड जो है 21 जनवरी 2023 के लिए, मतलब कि दोस्तों 2 दिन पहले वैकेंसी इसका अभी यहाँ पे निकला हुआ है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जियो पॉइंट
एसोसिएट मैनेजर का एक पद के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। यहाँ पे आपका जिला भी दिख रहा है सीतामढ़ी, उसके बाद यहाँ पे डुमरी बिहार के लिए भी वैकेंसी है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रामपुर सैदपुर रूनी बिहार के लिए वैकेंसी है, उसके बाद किशनगंज के लिए है, उसके बाद यहाँ पे सिधवलिया बिहार के लिए, ऐसे ही आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जिस भी जिले के लिए वैकेंसी निकला होगा वो यहाँ पे आपका शो कर देगा। तो इसका जो पोस्ट जो डाला गया है दोस्तों 21 जनवरी 2023 के लिए, मतलब ये करेंट वैकेंसी अभी निकला हुआ है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे जियो पॉइंट एसोसिएट मैनेजर के लिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जो पोस्ट जो डाला गया है 21 जनवरी 2023 में डाला गया है, और उसमें सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैकेंसी जो है निकला हुआ है, और जॉब लोकेशन जो है सीतामढ़ी बिहार के लिए है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं 10+2 अगर आप इंटर पास है या ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री है तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस में फ्रेशर भी होंगे तब भी चलेगा, अगर आपके पास 1 से 2 इयर्स का सेल का अगर एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा। यहाँ पे स्किल एंड कॉम्पिटेंस में आप देख सकते हैं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए, स्मार्टफोन का यूज करना आना चाहिए, उसके बाद स्पीक लोकल लैंग्वेज, आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, इंग्लिश रीड एंड राइटिंग, आपको इंग्लिश लिखने और पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए, कैश हैंडलिंग स्किल्स आपके पास होना चाहिए, उसके बाद सेल एंड कंज्यूमर हैंडलिंग का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद एबिलिटी टू लर्न का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं मैनेजर के पद के लिए, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजर के लिए आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा और आपको अप्लाई कर देना होगा। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे ये तो रहा मैनेजर का पोस्ट, अब हम आपको फिर से और दूसरे जॉब के बारे में दिखाते हैं। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का आपको बताए थे, अब आप यहाँ पे बिजनेस ऑपरेशन जो दिख रहे हैं इस पे आपको क्लिक कर लेना होगा और इसके बारे में भी डिटेल आपको जान लेना होगा, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगा जा रहा है और ये जो वैकेंसी है किस किस पोस्ट के लिए निकाला गया है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं होम सेल्स ऑफिसर के लिए पद निकाला गया है, यहाँ पे बेतिया बिहार के लिए जो वैकेंसी है वो निकला हुआ है और इसका पोस्टिंग डेट जो है 21 जनवरी 2023 को ये पोस्ट किया गया है। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं बेतिया के लिए एक और वैकेंसी जो है निकला हुआ है होम सेल्स ऑफिसर, मतलब कि दोस्तों बेतिया जिले में 2 वैकेंसी है और इसका भी पोस्ट जो किया गया 21 जनवरी 2023 को, मतलब की करेंट जो जॉब निकला हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे मोतिहारी के लिए भी है, मोतिहारी के लिए भी 2 है और उसमें से अररिया के लिए 1 है, पूर्णिया के लिए 1 वैकेंसी है और उसमें से अररिया बिहार के लिए भी 1 वैकेंसी है। उसके बाद से यहाँ पे बेगूसराय समस्तीपुर ऐसे सभी जिले के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकला हुआ है। अब यहाँ पे आपको देखना होगा इसमें क्या क्या आपसे क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, तो होम सेल्स ऑफिसर 1 जो है इस पे आपको क्लिक कर लेना होगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं कि जो जॉब लोकेशन है बेतिया बिहार के लिए है और उसके बाद से यहाँ पे 10+2 आपसे इंटर पास मांगा जा रहा है या डिप्लोमा फुल टाइम का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपसे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो अगर आपके पास 1 से 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है कहीं पे भी काम करने का तो यहाँ पे आप सभी लगा सकते हैं, अगर आपके पास काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपको फ्रेशर का जॉब निकला हुआ है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस किसी भी काम का अगर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे आप सभी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें जो है बेसिक सैलरी बहुत अच्छा आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे होम सेल्स ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास इंटर पास या डिप्लोमा का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो यहाँ पे आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। आप यहाँ पे जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अगर आप पहले से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना होगा, लेकिन अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो यहाँ पे न्यू यूजर पे क्लिक करके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है, उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड डालना है, उसके बाद से फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद से यहाँ पे कंट्री जो है अपना चूज कर लेना है, उसके बाद से अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है और उसके बाद से यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना है, उसके बाद से यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं हमने सारा डिटेल जो है यहाँ पे फिल कर चुके हैं, उसके बाद से कैप्चा कोड डालने के बाद से आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप सभी पॉलिसी को मानते हैं, तो आपको एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से अगर आप पॉलिसी को डाउनलोड करें यहाँ पे पॉलिसी को डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही एग्री पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन विद अस, प्लीज लॉग इन टू बिल्ड योर प्रोफाइल एंड अप्लाई फॉर सुटेबल ओपनिंग। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, अब आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है।
अब आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद से आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल है वो लॉगिन हो जाएगा। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लॉगिन कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको अबाउट योर सेल्फ में आपको मिनिमम 100 वर्ड से लेकर 1000 कैरेक्टर का अपने बारे में यहाँ पे जानकारी देना है। उसके बाद से आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे अपना जेंडर जो है चूज कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपका कंट्री जो है यहाँ पे इंडियन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपना राज्य सिलेक्ट करना है, आप जिस भी राज्य से होंगे यहाँ पे अपना राज्य जो है सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे अपना सिटी जो है टाइप कर देना है। उसके बाद से अपना रिज्यूम जो है यहाँ पे अपलोड कर देना है। आपका जो रिज्यूम है यहाँ पे अपलोड हो जाना चाहिए। यहाँ पे रिज्यूम का साइज जो है 2 MB से कम रख सकते हैं, 2 MB तक रख सकते हैं। यहाँ पे रिज्यूम अपलोड करने के बाद से अगर आप किसी भी सोशल साइट से जुड़े होंगे तो यहाँ पे अपना लिंक जो है प्रोफाइल लिंक दे सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद से आपको यहाँ पे एडुकेशनल जानकारी दे देना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपका पर्सनल जानकारी जो है सेव हो जाएगा। उसके बाद से आपका एडुकेशनल जानकारी पे आप यहाँ पे आइएगा। अब आपको यहाँ पे एडुकेशनल में स्टार्ट मंथ जो है किस मंथ से लेकर आपका एंड मंथ क्या था वो देना है। उसके बाद से आपका लोकेशन जो है इंस्टीट्यूट का लोकेशन जो है क्या है, डिग्री आप यहाँ पे कौन सा डिग्री किए हैं आपको यहाँ पे जानकारी जो है दे देना है। उसके बाद से कोर्स टाइप आपका क्या है, फुल टाइम है या पार्ट टाइम है वो आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद से ब्रांच ऑफ स्टडी आप किस ब्रांच से किए हैं आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद से आपका क्या स्कोर था, कितना परसेंटेज था, आपको ये सारी जानकारी देने के बाद से आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट पे आप आ जाइएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आने के बाद से आपको यहाँ पे आप पहले से कहीं पे काम किए होंगे उसका यहाँ पे आपको जानकारी दे देना है। करेंट वर्किंग पे आप क्लिक करेंगे और उसमें से यहाँ पे स्टार्ट डेट कब से कब तक काम किए हैं, उसके बाद से किस ऑर्गेनाइज में आप काम किए हैं कि या किस इंडस्ट्रीज में आप काम किए हैं यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद से जॉब रोल आपका क्या था, पहले जहाँ पे आप काम करते थे वो किस पोस्ट के लिए काम करते थे यहाँ पे आपको चूज कर लेना। आप अकाउंटेंट थे या आप ब्रांच मैनेजर थे या जो भी थे यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। आप किस राज्य में काम करते थे, किस सिटी में काम करते थे और उसके बाद से यहाँ पे आपको सेव कर देना है। आप यहाँ पे जैसे ही सेव कीजिएगा तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको इसमें आने का किसी के माध्यम से जानकारी मिला है, कैसे मिला, उसका नाम यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर जो है आपको 2 अल्टरनेटिव नंबर देना होगा ताकि आपको फोन करके इन्फॉर्मेशन आपके पास किया जा सके। उसके बाद से ईमेल एड्रेस देना है, फिर से एक और ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद से यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं लास्ट ऑफर लेटर है तो यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आपके पास लास्ट इंसेंटिव लेटर है तो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, मतलब किसी इसमें से किसी एक को अपलोड कर देना। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो को आपको अपलोड यहाँ पे कर देना है और उसके बाद से आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। आपका प्रोफाइल जो है दोस्तों सेव हो जाएगा। प्रोफाइल सेव होने के बाद से आपके मोबाइल पे 15 से 20 दिनों के बाद में आपका जो HR होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट को जांच करेंगे और आपका जो डॉक्यूमेंट है पूरी तरह से सही पाए जाने पे आपके मोबाइल पे फोन आएगा जिसमें आप सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आप सभी का इंटरव्यू होने के बाद से इसमें जो जॉब है आपको मिल जाएगा। इसमें दोस्तों बेसिक सैलरी जो है 20,000 से ऊपर ही आपको मिलता है और इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पैसे का मांग कर रहा है तो आपको नहीं देना है क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो बिल्कुल फ्री में होता है। तो अगर आप किसी भी प्रकार का पैसे का लेन देन करते हैं तो उसका पूरी जिम्मेवारी आपकी होगी। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हम इस तरह वीडियो लेके आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और आप इस वीडियो का लाभ ले सकें।